1, 2 and 3। अरे स्टैंड। तो भाई इसकी जो सबसे बढ़िया बात है ना, इसकी किक और ये भाई और ये। तो वो सब भाई लोग, आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। और जो है भाई आज का जो वीडियो है ना, मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम आई थिंक 15 दिन हो चुके हैं मुझे वीडियो बनाए हुए, क्योंकि भाई ये टाइम नहीं मिलता, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहना पड़ता है ज़िंदगी के अंदर। और आज का जो पर जो वीडियो है ना गाइस, वो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। तो आज जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना बहुत ज़्यादा पुराना स्कूटर, जिसको हो चुके हैं भाई 23 साल। और आपने थंबनेल में तो भाई देख ही लिया होगा, बट अब दोबारा देखो तो भाई वो खड़ा हुआ अपना स्कूटर LML ट्रेंडी 2000 मॉडल है। ठीक है, एक बार पास जाके दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, तो भाई ये रही अपनी LML ट्रेंडी। और जो है इसका अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन की, तो भाई इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सन 2000 में हुई थी, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग था वो था आई थिंक 1999। तो एक साल बाद इसका वो रजिस्ट्रेशन हुआ था। और भाई काफ़ी ज़्यादा भी मेंटेन कंडीशन में मैंने इसको रख रखा है। एक बार चेक करो, बता इसका प्रोफाइल देखो भाई, इतनी छोटी स्कूटी है ना, कसम से अगर तुम इसको एक्टिवा के साइड में खड़ा करोगे ना तो ये बच्ची लगती है। और भाई उस टाइम पर भी, पर मैं तुम्हें इसकी एक बात बताऊं, इसमें एलॉय व्हील्स थे भाई, अभी भी एक्टिवा में अब आने शुरू हुआ है एलॉय व्हील्स। और काफ़ी ज़्यादा भाई मैंने इसे मेंटेन करके रख रखा है। इसकी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती हैं, बट कुछ अच्छे लोग होते हैं भाई जो अभी तक पुरानी स्कूटियों के सामान रखते हैं हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि भाई अब शौक़ है तो अपना शौक़ पूरा करना ही पड़ता है ना। ठीक है, तो इस स्कूटी को भाई मैं आज तक भी इसलिए यूज़ तो नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ सही करवा के रखते रहता हूँ, क्योंकि मुझे भाई ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है एकदम छोटी सी। और कुछ लोग इसको देख के बहुत हंस रहे होंगे कि क्या है, मुझे लगता है कि शायद आप में से कुछ लोगों ने इसको शायद पहली बार देखा होगा। और जिन लोगों के पास थी तो भाई कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना। तो अगर गाइस मैं तुम लोगों को इसकी स्टोरी बताऊँ, मतलब इसका सीन क्या था, तो ये पहले मेरे भाई की थी, बड़े भाई की। तो जो है उसके पास ये स्कूटी थी, तो उसने छोड़ दी चलानी भाई काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि पुरानी हो गई थी। अब ऑफकोर्स एक्टिवा आ गई थी, बहुत सारी स्कूटीज़ नई नई आ गई थी, तो उसने चलानी छोड़ दी है। तो भाई उसने छोड़ी, मैंने पकड़ ली भाई, मैं उस टाइम पे बच्चा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 15 या 16 साल का होऊंगा। तो मैंने इसी पे सीखा है भाई, जो भी अपना स्कूटी चलाना सीखा है, मेन तो मेरी स्कूटी सीखने वाली जो थी वो यही थी। तो काफ़ी घर वालों ने कहा कि भाई इसे बेच दे, कबाड़ा है, कुछ नहीं रखा है इसके अंदर। बट मैं लोग अपने घर वालों के पीछे पड़ता रहता था कि नहीं भाई इसको तो रखना है, इसको मैं नहीं बेचने दूंगा। और भाई मैंने आज तक इसको बेचने नहीं दिया। पहले अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, इसके कहाँ मिलते हैं, तो भाई बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसके जो अभी मैं रिसेंटली पार्ट्स जो मैं मंगवा रहा हूँ वो है कानपुर में। एक भाई एक अंकल हैं जो पुरानी स्कूटियों के पार्ट्स रखते हैं, और ख़ासकर से LML के, और जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हैं, और भाई इतने अच्छे से बात करते हैं ना व्हाट्सएप पे। उनका व्हाट्सएप नंबर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपके पास भी अगर कोई पुरानी स्कूटर होगी, आप उसे ठीक कराना चाहते हो, तो भाई उनके पास जो है आपकी स्कूटर के सारे पार्ट्स अवेलेबल होंगे, और वो आपको अच्छे से शिप भी कर देंगे बिना किसी डैमेज के, और एकदम जेन्युइन पार्ट होता है भाई, ओरिजिनल LML के पैकेट के अंदर आता है। ठीक है, तो भाई इसकी जो सबसे बढ़िया बात है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये अभी भी भाई, अभी भी इतनी पुरानी होने के बाद भी ये चाबी इसकी नहीं है पर इसमें लग जाती है। तो भाई अब ये चेक करो, ठीक है, ये रहा इसकी किक, और ये भाई और ये। तो गाइस पहली किक के अंदर ये स्कूटी स्टार्ट हो जाती है, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे अभी तक यही लगती है कि भाई पहली किक के अंदर इसकी स्कूटी, ये जो स्कूटी है वो स्टार्ट हो जाती है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये इंडिया की फर्स्ट स्कूटी थी इसके अंदर भाई सेल्फ आया था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी इसका सेल्फ जो है वर्क नहीं कर रहा। और पार्ट्स भाई मैंने इसके मंगवा रखे हैं, अगर तुम्हें वीडियो चाहिए होगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगा इसके ऊपर एक और वीडियो। तो भाई सबसे पहला जो भाई पार्ट मैंने मंगवाया था वो था इसका स्पीडोमीटर। इसका स्पीडोमीटर भाई टूट चुका था अच्छे से, मैं इसकी फ़ोटो भी तुम लोगों को दिखा दूंगा, यहाँ कोने में आ जाएगी, जो पहले वाला स्पीडोमीटर था। और बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिला है भाई पहले इसका स्पीडोमीटर। मैंने पहले इसको मुंबई में ट्राई किया, मुंबई के पास एक बंदे के पास था, बट उसका फिर मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया, उसने कोई रिप्लाई ही नहीं किया, तो भाई मैंने छोड़ दिया। फिर थोड़े टाइम बाद भाई मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था कि ओल्ड स्कूटी स्पीडोमीटर, मुझे इसका गूगल पे स्पीडोमीटर दिख गया, और तब से मुझे उनका भाई अंकल का नंबर मिला है कानपुर से। तो फेसबुक पे थे पहले वो, अब मैं उनसे व्हाट्सएप पे ही बात कर रहा हूँ, तो व्हाट्सएप पे आपको नंबर दे दूँगा। और दूसरा भाई इसकी किक जो है वो फ्री हो गई थी, तो इसका किक का जो रैचेट होता है ना, तो इसका किक का जो रैचेट होता है भाई मैंने इसका ना नया डलवा रखा है, वो भी मैंने वहीं से ही मंगवाया था। और जो है अभी मैंने इसका लाइट ऑर्डर कर रखा है,
इसका लाइट मैंने एक बार पहले बिहार से मंगवाया था, बट इसका लाइट जो है वो आने आने में भाई टूट गया था, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इसके अंदर टेप लगा के इसको सही करके चलाना पड़ा है। मतलब इसके ऊपर मैंने पहले एलईडी से पूरा शीशा चिपकाया इसका एक एक पार्ट, और जो है फिर इसके ऊपर एक मैंने वो फिल्म होती है ना वो ब्लैक फिल्म वो चढ़वा ली ताकि ज़्यादा क्रैक्स पता ना लगे, बट क्रैक्स अब भी पता लग रहे हैं, उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। बट भाई इसका स्कूटी का एक बार लुक देखो कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट और लगता है ना भाई सब, मतलब कसम से मज़ा आ जाता है। पहिए देखो भाई कितने छोटे हैं, अगर मैं तुम्हें जूता रख के दिखाऊंगा ना अपना देखो। और गाइस ये जो स्कूटी है ना वो बिल्कुल अभी तक ओरिजिनल कंडीशन में, मतलब भाई इसके अंदर जो सीट कवर है ना भाई वो भी ओरिजिनल है, और इसके टायर्स भाई अभी तक वो भी ओरिजिनल है। किसी ने इस कंपनी के टायर्स देखे हो ना तो भाई ज़रूर बताना। इसका नाम है भाई सनशाइन, नाम था पता नहीं क्या था इसका, सूर्या भाई, सूर्या कंपनी के टायर्स लगे हुए हैं। तो किसी की स्कूटी में सूर्या कंपनी के टायर्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भाई मुझे लगता है कि शायद दिल्ली में तो भाई मेरे पास एक ही होगी स्कूटी, किसी और के पास नहीं है। और बाकी एक जगह मैंने देखी थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैं अपना किक का ढूंढ रहा था कि किक का सामान कहाँ मिलेगा, क्योंकि मेरा रिचेट ख़राब हो गया था। तो करौल बाग में जहाँ पर गुड़ सेवक वाली शॉप है वहीं पर ही भाई बाहर मैंने एक स्कूटी खड़ी हुई देखी थी, एलएमएल ट्रेंडी, बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में, मतलब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी ना, उसकी तो कोई बॉडी ही नहीं बची थी। और उसका फिर मैंने किक भी यूज़ करके देखा कि शायद हो सकता है किक के अंदर रैचेट काम कर रहा हो, क्योंकि मुझे रैचेट चाहिए था इसका, बट अनफॉर्चुनेटली उसका अभी रैचेट ख़राब था। बट अच्छी बात यह है कि भाई मुझे अब रैचेट जो है वो नया मिल चुका है, और इसका जो लॉक होता है ना रैचेट का वो भी नया मिल चुका है मुझे, तो अब बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास ही अभी तक स्कूटर चल रही है। अभी हम जाने वाले हैं इसका छोटी सी राइड पे, भाई यहीं से ही लेके थोड़ा वहाँ तक की राइड करेंगे, क्योंकि मुझे ही पता है भाई मैं इसको कितना डर डर के लेके आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि ख़तरनाक है भाई, अगर पुलिस वाले ने पकड़ ली तो भाई सीधा जब्त होने वाली है स्कूटर, और जो है 1000-2000 रुपये में भी नहीं छूटेगी भाई, पता नहीं कितना पैसा लगे मैं वो जानता नहीं। तो भाई पहले तो तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों को स्कूटी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि स्कूटी तुम्हें लोगों को कैसी लगी, बेकार लगी, अच्छी लगी। और कुछ लोग इसको देख के हंस रहे होंगे कि इस ज़माने में भाई ये कौन चलाता है, लेकिन भाई ओल्ड इज़ गोल्ड। अभी भी मैं तुम्हें दिखाया कि भाई पहली किक के अंदर स्टार्ट हो जाता है स्कूटर ये, और जो है लोगों को इसको इसकी वैल्यू अभी नहीं पता, लेकिन बाद में जाके ज़रूर पता लगेगी कि पुरानी चीज़ की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है अगर वो कंडीशन उसकी अच्छी हो। और अभी भाई इसकी कंडीशन फिर भी स्क्रैच वैच बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, बट बाद में अगर आप कहोगे भाई बहुत धूप हो गई, तो अगर बाद में आप कहोगे तो भाई इसके ऊपर भी अलग वीडियो बनाएंगे, इसकी बॉडी कंडीशन को बिल्कुल A1 कर देंगे। और बस चैनल के साथ ऐसे ही बने रहो, और भाई लाइक करना वीडियो को, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अब हम जा रहे हैं भाई इसकी छोटी सी राइड पर, ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस अभी मैंने ऑन कर लिया है अपना GoPro, और अब स्विच कर चुके हैं अपने GoPro पे, तो अब भाई जल्दी से करते हैं इसकी राइडिंग शुरू। और भाई राइड करने से पहले मैं तुम लोगों को इसका एक बार बूट स्पेस दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कितना ज़्यादा बूट स्पेस होता था भाई स्कूटियों के उस टाइम में। और देखो भाई इसका विड्थ देखो एक बार, कितना ज़्यादा पतला है। अब देखो भाई बूट स्पेस देख के डर मत जाना, ठीक है, 1 2 3। तो भाई ये है इसका बूट स्पेस, एक बार टंकी का साइज देखो पेट्रोल। और भाई तुम्हारा भाई इसके अंदर पेट्रोल फुल करा के लेकर आया था बिल्कुल, क्योंकि ख़त्म ना हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है कितना पेट्रोल पी रहे कितना नहीं पी रहे मुझे कुछ नहीं पता इसका। और बस भाई डलवाते हैं और चलाते हैं पेट्रोल, और जो है और अभी मैं तुम्हें इसका राइड पर कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। चलते हैं भाई। मीटर भाई, नया मीटर, मुझे इसकी सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी कि मुझे नया मीटर मिल गया, और लाइट सारी प्रॉपरली काम करती हैं। अभी जो है इसका वायर नहीं है, क्योंकि इसका वायर भी ख़राब हो गया था, और एक चीज़ दिखाऊँ तो ये भी ख़राब हो गया था। तो यहाँ लगता है ये मुझे पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन भाई मैंने कानपुर वाले अंकल से ये पार्ट भी मंगवा लिया, जो कि मुझे बिल्कुल नया मिल गया है। अभी ऑर्डर कर रखी है भाई, सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब करते हैं इसे स्टार्ट, तो भाई स्टार्ट हो गई अपनी स्कूटी, लेट्स ऑन राइड। तो अभी सेल्फ काम नहीं करती, ये हॉर्न था, ये सेल्फ थी, लाइट्स सारी भाई वर्किंग है, अगर तुम्हें दिख रही हो तो ये जलती हुई, ये हो गई हाई बीम भाई, ये वाली हाई बीम जल रही है, बट पता नहीं क्या हो गया भाई इसके अंदर मॉइस्चर कैसे घुस गया, देखना पड़ेगा, किसी तरह निकालूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट भाई, तो हम चल पड़े अपनी राइड पर।
भाई वॉइस नोट सुन रहे हो, इसको ज़्यादा तेज़ नहीं भगाने वाला भाई मैं, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है यार ये कब ख़राब हो जाए। तो मुझे इसको चलाते हुए बड़ा डर लगता है, क्योंकि यार मेरा मन नहीं करता इसको कि ये ख़राब, मैं इसको देख नहीं सकता। तो भाई तो गाइस अभी यहाँ से हम मारने वाले हैं यू टर्न, या आगे पुलिस वाले खड़े हुए हैं क्या? नहीं भाई, जब मैं आया था यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। ये फाख्ता उड़ी। तो भाई कैसी लग रही है इसको चलती हुई, तुम्हें देख के मज़ा आ रहा है क्या? अगर भाई मैं इसकी बात करूँ ना पिकअप की, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा पिकअप है, और जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या एक्टिवा के सामने भाई मैं इसको क्या ही बोलूँ, क्या ज़्यादा अच्छा पिकअप होगा। क्योंकि इसका इंजन की बात करें तो भाई 50 cc का इसके अंदर आपको इंजन मिलता है, और भाई मेरा खुद का वज़न जो है वो 50 cc 79 kg चला रहा है भाई, वही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, तो भाई लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और इतनी पुरानी स्कूटर भाई चलते हुए देखते हुए तुम्हें कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है भाई इसको मेंटेन करने के लिए, इसके पार्ट्स भाई बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, महंगे आते हैं। अब थोड़ा सा भाई इसको देखेंगे हम भगा के, और छोटा सा क्लिप जो है ये मैंने आते हुए रिकॉर्ड किया था, जब मैं आ रहा था तो एक बच्चा ऑटो में से जाग के भाई उसका रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल ऐसे वाला रिएक्शन उसने दिया मुझे, तो काफ़ी खुशी मिलती है भाई जब ऐसे लोग करते हैं ना, मतलब चाहे बच्चा ही हो चाहे बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम लोग ऐसे ही प्यार देते रहो, वीडियो को सपोर्ट करते रहो चैनल को, एक दिन भाई हम बहुत आगे जाएंगे। और जो है अब यहाँ से भाई घुमाते हैं, अब हम भगाएंगे इसे थोड़ा सा, ये घूम गई। एक बार तुम्हें इसका टर्निंग रेडियस दिखाऊं, देखो ये देखो, अब तुम देखना इसका हैंडल कितना ज़्यादा मुड़ता है, ठीक है, कितना ज़्यादा इसका हैंडल मुड़ जाता है। तो 1 2 3 तुम देख रहे हो, अगर मैं इसको चाहूँ तो यूं करके घुमा सकता हूँ भाई, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इतनी ज़्यादा हल्की है। बारी है भाई इसको थोड़ा सा स्पीड टेस्ट करने की। स्पीडोमीटर में भाई स्पीड ही 70 तक दे रखी है, बट मैंने इसको एक बार एक्टिवा के साथ चेक किया था, तो साइड में मैंने एक्टिवा भगवाई थी किसी से और इसको भगवाया था, तो भाई मैक्स स्पीड जो इसकी पहुंची थी 60 तलक, बट इतनी तेज़ भाई मैं अभी इसको भगाने नहीं वाला, क्योंकि डर लगता है मुझे इसको कि ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो 1 2 3 ए भागी 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 भागी, ये ओ भाई ब्रेक बहुत खतरनाक है इसके, देख रहा हूँ देख रहा हूँ। चलो भाई बस इतनी भाग पाती है, इससे तेज नहीं भाग पाती अभी, तो मुझे इसको घर भी लेके जाना है, और मुझे लगता है भाई ये हाफ ज्यादा चुकी है अभी, क्योंकि अपने मुझे लगता है पूरे टाइम में ये इतनी कभी नहीं, इतनी दूर तक कभी नहीं गई घर से। तो अब अपनी जगह पहुंचते हैं भाई, खड़ी करते हैं इसको एक बार, और मैं तुम लोगों को एक बार दोबारा दिखाता हूं इसे। तो आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो भाई प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को। अब बंद कर देते हैं भाई इसे। अरे स्टैंड तो गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो, और भाई स्कूटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों के पास भी कभी ये थी तो भाई वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ देना। इससे पहले भाई और इससे पहले गाइस हमने एक अपनी GT के अंदर बार एंड मिरर्स लगाए थे, तो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो भी जाके देखना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो है दूसरी बात क्या थी, और भाई एक वीडियो जो है मैंने अभी बनाई थी अपने ऑफिस जाते हुए, एक गाड़ी की वीडियो थी, वो आई थिंक होंडा EV X निकली, वो बाद में जाके गाड़ी मुझे पता लगा, और वो भाई बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है, वो मतलब वायरल हो गई वीडियो, बहुत सारे चैनल न्यूज़ चैनल्स के ऊपर वो वीडियो आ चुकी है, और काफ़ी अच्छा लगता है भाई जब ऐसा होता है। तो इंडिया के अंदर मतलब हाँ इंडिया के अंदर पहली बार वो चलती हुई दिखी थी, और मैंने वो और भाई मैंने अच्छी मेरी किस्मत थी, मैंने उसका वीडियो बना लिया और मैंने अपलोड कर दिया, और मेरी वो वीडियो वायरल हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा उससे अच्छा लगा मुझे, अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कि ये कौन सी गाड़ी है कौन सी गाड़ी है कौन सी गाड़ी है, तो भाई बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, बट लास्ट में भाई वो होंडा EV X निकली, काफ़ी लोगों ने कहा कि किया है, मैंने भी पहले बार कहा कि भाई शायद किया लग रही है, तो बट किया नहीं थी, और कुछ लोगों ने कहा कि नेक्सॉन का नया वेरियंट है,
भाई नेक्सॉन का नया वेरिएंट अभी आया है, वो एकदम दोबारा कैसे निकाल देंगे, कुछ तो सोच समझ के बोला करो। कोई बात नहीं भाई। तो भाई आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो भाई वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए। और इसके बाद हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस कराने वाले हैं, और अपनी GT की भी वीडियो आने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ उसके टायर्स चेंज कराने के लिए, उसमें फैट टायर्स डलवाने के लिए सोच रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और स्टे हैप्पी। बाय बाय।